तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं सुपर 100 सीरीज का काइनामेटिक्स वाले प्रॉब्लम। ठीक ना, एक्चुअली जो यूनिट्स मेजरमेंट है उसमें मैंने 50 क्वेश्चन ही इस पेपर में डाले थे। जो बुक है मेरा हाईएस्ट टेक्निक बूस्टर, उसी के सोल्यूशन है। तो ये कहते हैं कि काइनामेटिक्स में 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें दो पेपर है बुक में। तो पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन गिवेन बाई दिस, मतलब पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर पोजीशन दिया हुआ तो क्या निकालना, एक्सलेशन निकालना। मैं आपको पढ़ाया था, देखो अगर पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी है एक्सलेशन है। अगर नीचे से ऊपर आओगे, डिस्प्लेसमेंट दिया है वेलोसिटी निकालना और एक्सलेशन निकालना, तो डिफरेंशिएशन यूज करोगे, डेरिवेटिव यूज करोगे। समझ में आया। और अगर नीचे से ऊपर जाओगे उल्टा, एक्सलेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो इंटीग्रेशन यूज करोगे। तो अभी क्या दिया हुआ है बोलो, अभी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये वाली चीज़ डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट से एक्सलेशन निकालना है, तो दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक बार वेलोसिटी के लिए फिर एक बार एक्सलेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो सबसे पहले हमें एक्सलेशन निकालना। जब टाइम 50 सेकेंड है तो एक बार मैं डेरिवेटिव लूँगा ऊपर, ds ओवर dx ओवर dt, तो मुझे वेलोसिटी दिखेगी। तो dx ओवर dt एक बार इसमें रख देते हैं, एक 12 प्लस 18t प्लस 9t का स्क्वायर। तो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो 12 का 0 प्लस 18t का 18 प्लस 9 और 2 और t। ठीक है, x की पावर n वाला फार्मूला, n n माइनस 1। ठीक है, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला, तो ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 18 टी, दिस इज द वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है जो फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये पोजीशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम है। हमें क्या चाहिए, एक्सलेशन चाहिए। तो एक्सलेशन ए डी वी ओवर डी टी, वेलोसिटी का एक बार करो या डिस्प्लेसमेंट का दो बार हो चुका होगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो अगर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो 18 का 0 और 18t का 18। ठीक है, तो एक्सलेशन आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सलेशन है, एक कांस्टेंट एक्सलेशन है। 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, 1 घंटे बाद एक्सलेशन सेम रहेगा, बट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बदलते रहेंगे। दैट इज सी ऑप्शन, इसका सही है।